कालोल नजीक आवेला पांडू खाते शेखुल इस्लाम ट्रस्ट द्वारा गामनी विविध जगह पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों योजाया। रिपोर्टर साजिद वाघेला। वृक्षारोपण तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। इसको मद्देनजर रखते हुए हुजूर हमजा मियां ने ये वृक्षारोपण का हुक्म दिया है। इसके पीछे काफ़ी जो हदीसें हैं और हमारे बुजुर्गों का अमल है उसको मद्देनज़र रखा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेड़ लगाना सदका जारिया है। और मौके मकसद सिंघानी रहमतुल्लाह अलैह इनका भी ये अमल रहा कि उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर अगर कब्र जो होती है उसके बीच की खाली जगह का अगर बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए तो कैसे किया जाए। तो सरकार मंत्री वसलम ने फरमाया कि उसके दरमियान यानी दो कब्रों के बीच में पेड़ लगाया जाए। और उन्होंने ये ताकीद भी फरमाई कि पेड़ ऐसा लगाया जाए जिसकी मूल हो, वो जड़ें हो, वो सीधी जाती हो, जिससे साहिब कब्र को तकलीफ ना हो। तो उनकी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए, उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए और हमारे पीरो मुर्शिद का हुक्म बजा लाते हुए आज हमने वृक्षारोपण का जो कार्य खैर है उसे अंजाम दिया, जिसमें हमारे शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के सभी मेंबर हाजिर रहे और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब वो भी प्रेजेंट रहे, गांव के सरपंच साहब वो भी प्रेजेंट रहे और मोदी से आजम मिशन के निगरान और मोदी से आजम मिशन के दूसरे मेंबरान वो भी हाजिर रहे और हुजूर हमजा मियां के हुक्म की तामील की। अल्लाह इन सबको जजाय खैर अदा फरमाए और इन सब की जायज़ तमन्ना और मुरादों को इस नेक काम के बदले पीर मुर्शिद के सदक़े में कबूल फरमाए। शेखुल इस्लाम ट्रस्ट द्वारा आज रोज पांडोमेस प्राथमिक ग्रुपशाला अने गामनी अंदर सरस मजानो वृक्षारोपण कार्यक्रम योजवामां आव्यो। तेमां लगभग शेखुल इस्लाम ट्रस्ट छेल्ला 6 वर्षथी अमारी स्कूलमां तथा गामनी अंदर सारो एवो वृक्षारोपणनो कार्यक्रम करे छे। तेमां वृक्षारोपण माटे शेखुल इस्लाम ट्रस्टना प्रमुख श्री मंत्रीशी तथा तेमनी तमाम टीम तथा गामना सरपंचश्री तथा अमे शाळानो तमाम शाळा परिवार आ वृक्षारोपण कार्यक्रमने खरेखर खूब ज बिरदावीए छे अने आवुं ने आवुं अवनवुं कार्यक्रम करता रहे तेवी अमे एमने शुभेच्छा पाठवीए छीए।